आदाब एवरीवन, शामदीद कहती हूँ जुगनू लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं भी खैरियत हूँ। आज आपके लिए कौन सी नई रेसिपी लेके हैं। आज हम बनाएंगे बिस्किट। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को हमने एक प्याले में डाल लिया है। इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसकी डो बनाएंगे, अच्छे तरीके से गूंदना है इसे, जैसे आटा गूंदते हैं। ये देखने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये इसकी डो बन रही है। ये इसकी डो बना ली, इसके ऊपर तेल लगा दिया, इसको साइड पर रखेंगे। अब एक पैन लेंगे, इसमें घी डालेंगे, इसको गर्म करेंगे। चूल्हे की आंच मैंने ऐसे रखी है। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये देखें हमारा घी पिघलने लगा है, ये पिघल गया है। अब चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे चूल्हे से उतार लूँगी और थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे एक डिश में डालेंगे। डिश में डालने के बाद इसमें आइस क्यूब डालेंगे, यानी कि बर्फ़ डालेंगे। इसे अच्छे से इस तरह घुमाना है। ये देखें ये घी हमारा जमने लगा, खूब अच्छे तरीके से करना है। जब ये अच्छे से बन जाए तो ये बर्फ़ के क्यूब्स हम निकाल लेंगे। ये देखें ये हमारा बन गया है। अब इसमें हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसे मैं चम्मच की मदद से मिला रही हूँ, आप हाथ से भी मिला सकते हैं। ये मैंने चम्मच से मिला लिया, ये हमारा अच्छे से बन गया है। अब ये देखें ये एक प्याले में डो है और एक प्याले में माजरीन तैयार हो गया हमारा घर का। ये देख लें अच्छे से, इन दोनों को साइड पे रखेंगे। अब एक पटा लेंगे, पटे पे खुश्की डालेंगे, ये मैंने डाल दिए। अब जो डो है उसमें से थोड़ा सा लेंगे, पेड़ बनाएंगे उसकी और उसे बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। ये रोटी की तरह बेलना शुरू कर दिया है मैंने, ये हमने बेल लिया है। ये देखें रोटी की तरह। अब ये जो माजरीन बनाया था ये हम इस पे लगाएंगे। ये इस तरह पूरे पे फैला देना है, अच्छे से फैलाना है। ये मैं पूरे पे फैला दूंगी अभी, आप देखिएगा। ये देखें ये पूरे पे लगा दिया। अब इसे फोल्ड करेंगे, दोबारा से इसकी लोई बनाएंगे। ये बना ली, इस पर थोड़ी सी खुश्की डालेंगे और इसे बेलेंगे जैसे पहले बेला था रोटी की तरह। ये बेलेंगे, ये देखें ये बेल ली। अब छुरी की मदद से इसे काटेंगे। आपको जो भी शेप चाहिए आप वैसे रख सकते हैं। मैं इस तरह छुरी से काट लिए मैंने लंबे लंबे, छोटा साइज़ भी कर सकते हैं, बड़ा साइज़ आपको जैसे रखना है वो आप रख सकते हैं। अब एक ढक्कन लेंगे, उस पर मैंने तेल लगा दिया था, उसके ऊपर ये रख देंगे। अब इस पर हम मैंने अंडा लगा दिया है फेंट के, पतीली मैंने प्रीहीटेड कर ली है। अब इसको पतीली में रख देंगे, चूल्हे की आँच आहिस्ते रखेंगे। ये देखें रख दिया। अब इसे छुपा देंगे। अब इसे खोल के देखेंगे, ये हमारे तैयार हो गए। तो आज की जो रेसिपी थी वो नमकीन बिस्किट की थी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप घर पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह पसंद करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।